हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेबीआर यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे हो? भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एचएयू के 6 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो का टाइटल भी देखा होगा आपने और स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख सकते हो, किलर एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम के अंदर बहुत कम टाइम रह गया, यानी कि बहुत ही कम दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। इन दिनों के अंदर आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मैंने पहले आपको चैनल पर दे भी रखी है। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा तो भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, चैनल से आप जुड़े रह सकते हो अगर आपने एग्जाम देना है और इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ यार, नोट्स टेकिंग हैबिट। उससे पहले एक बात और बोल देता हूँ इसके ऊपर यार, स्क्रीन पर जो भी आप देख सकते हो ये तो सिर्फ लाइंस मैंने लिखी हुई है, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिए। तो यार, जो भी आप पढ़ते हो सबसे पहले तो उनके नोट्स बनाओ। जैसा कि आप आज आपने जो भी पढ़ा उसके अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप शाम को फिर से यार अपने नोट्स अगर पढ़ लोगे तो आज आपने जो भी पढ़ा उसकी पूरी आप रिवीजन कर सकते हो। इस वीक के एंड में आप सभी वीक के अंदर जितना भी पढ़ा सभी नोट्स पढ़ोगे तो पूरे वीक की आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो नोट्स टेकिंग हैबिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो एंड वर्क ऑन योर वीकनेस। सबसे पहले तो अपनी वीकनेस जानो। आपको पता होना जरूरी है कि आप कहाँ पे, मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है, और वो आपको जानना है। जान के आपको उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, वो चीज आपको सीखनी है। वो कैसे जानोगे? जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे। अगला है यार टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने सब्जेक्ट टोटल में हैं। 6 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो यार साइंस और मैथमेटिक्स आता है, तो पता होना चाहिए, सॉरी साइंस और एग्रीकल्चर आता है, मैथमेटिक्स मैंने गलती से बोल दिया, साइंस और एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में आपको कितना टाइम लगाना है, साइंस में आपको कितना टाइम लगाना है। उसी तरह बात करें तो पीसीएम यानी कि फिजिक्स में आपको कितना टाइम लगाना है, मैथमेटिक्स में कितना लगाना है, अगर आपके पास बायो है तो बायो में कितना टाइम लगाना है, और आपको केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ वीडियो ऑन इट, यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है जिसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है किसको कितना टाइम देना है। आगे है यार अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आपको क्वेश्चन और नीचे का इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चंस सिमिलर टू पीवाईक्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखो, कहां से देखने हैं मैंने आपको बता रखा है और अभी फिर से बता दूंगा। उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनिए कि सिमिलर है ना जो पीवाईक्यूज के, यानी कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा उससे सिमिलर एक और क्वेश्चन या 5 और क्वेश्चन कम से कम अगर आप करते हो ना तो आपका जो है एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन होगी। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप उसी टॉपिक को उठाओ और उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस जो है सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या है क्वेश्चन सेम नहीं रहता है, बहुत बार तो रिपीट ही हो जाता है, मैंने आपको बताया, लेकिन कई बार क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज कर देते हैं या उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं। टॉपिक्स यार वही रहते हैं ज्यादातर, उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो, यानी कि कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो, ना कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर इतना ध्यान लगाओ। उस वो क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से आया है उस चीज के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान लगाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं यार। तो अभी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बेस्ट टाइम टू ज्वाइन कोर्स, आपको पीवाईक्यूज करने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपकी बढ़िया तैयारी वैसे ही हो जाती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 4 ईयर प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने पीवाईक्यूज की वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट दिए गए आपको 25 से ज्यादा, जो आप सॉल्व करोगे तो आपको अपनी वीकनेस पता लग जाएगी, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। उसके ऊपर अगर काम कर लोगे तो वीकनेस भी आपकी चली जाएगी, यानी कि एग्जाम क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। क्विक रिवीजन नोट्स भी हमने दे रखे हैं, अगर आप नोट्स पढ़ते हो जल्दी जल्दी आप पढ़ भी पाओगे और जल्दी जल्दी आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको हमने प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रखे हैं, तो वो भी अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वहीं 6 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो सॉल्यूशन हमने दिए हैं, 350 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की हमने वीडियो दे दिए आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस उन्हीं में से आने वाले हैं, बता रहा हूं मैं, काफी क्वेश्चंस तो उनमें से आने वाले हैं ही हैं। 30 से ज्यादा वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट जो कि एग्जाम पैटर्न के बेस पे आपको दिए गए हैं, कुछ प्रीवियस एग्जाम पैटर्न पे है, कुछ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है, 5 से ज्यादा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 क्वेश्चन के
बेस्ट क्विक रिवीजन नोट्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा इनिंग सीरीज भी शुरू कर रखी है जिसके अंदर आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। इसके ऊपर एग्री 200 का अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो तो 200 रुपए की आपको छूट मिलेगी, यानी कि 400 रुपए वाला जो कोर्स है वो आपको 200 में मिलेगा, सॉरी एक है 499 का जो 299 मिलेगा, एक है 599 का जो आपको 399 मिल जाएगा, और इतना सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला है। ये एक मोबाइल रिचार्ज जितना कॉस्ट है आपको पे करना होगा, लेकिन इसके रिटर्न में आपका अगर HCU में एडमिशन हो जाता है ना तो बहुत बड़ी बात है। इसके आगे आप देख सकते हो यार, सभी एप्लीकेशन के चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अगर आप YouTube वगैरह पे कहीं भी वीडियोस देखते हो तो ठीक है, एक आधे चैनल की रख सकते हो, ठीक है भाई, जहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह मिले, चाहे आप मेरा चैनल देखो या किसी और का, वो आप ऑन रख सकते हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन Instagram, WhatsApp सभी के अभी नोटिफिकेशन बंद कर दो, वो डिस्ट्रैक्शंस देते हैं आपको। और अपने साथ कभी चीट मत करो, यानी कि आपने अगर डिसाइड किया कि मेरे को डेली 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ो भाई, अपने साथ चीट नहीं करना है आपने, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, सो जाता हूँ, ठीक है कल पढ़ दूंगा, ऐसी चीजें नहीं करनी है। डेली का टारगेट बनाओ, और टारगेट मैंने आपको बता भी रखा है वीडियोस के अंदर कितना बनाना है, उसके ऊपर काम करो, उस पर काम करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जल्द ही अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।